साला मैं ना सच में चुनिंदा हूं यार। कभी समझ ही नहीं पाया कि why I am feeling good। कभी अकेले नहीं लगा यार तेरे साथ रहकर, हमेशा दूर रखना चाहा, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं मैं ये जानता था और अपने आप को समझा नहीं पा रहा था कि ऐसा कुछ भी है। हर्ट होने की आदत सी हो गई थी, इसलिए दर्द में ही खुशियां ढूंढता रहता था। साला दर्द में भी तो एक एहसास है, एक फील है। इसलिए इंसान छोटी छोटी खुशियों को नहीं देख पाता। इन छोटी छोटी खुशियों का एहसास ही सबसे अलग है, सबसे अलग। पढ़ना मैं पता है तुम क्या कहना चाहते हो। मैं चाहती थी, मैं चाहती हूँ, मुझे नहीं पता। तुम्हारे हर एक बात में मैं एक जवाब ढूंढती थी अपने लिए, लेकिन तुमने कभी मेरी फीलिंग्स कभी समझी नहीं। और वहीं दूसरी तरफ जो मुझे संभाल रहा था, मैंने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। मुझे हमेशा से एक ऐसा इंसान चाहिए था जो मुझे समझे, जो मुझे संभाले, और वो वही था। हाँ, वो अलग नहीं है, हटके नहीं है, लेकिन वो जैसा भी है वो मुझे समझता है, सबसे अलग है। दिन में मैंने बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ चाहा तुम्हें लेकर, लेकिन हर बार दिल टूटता ही गया। तुम्हें पता है, कल उसने मुझे प्रपोज किया और मैंने हाँ कहा उसे। मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रही थी यही चीज, लेकिन और अब तुम मुझे पता है तुम, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। हाय, थैंक यू सो मच यार निर्मल। मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है। जिस लड़की को मैं चाहता हूँ आज वो मुझे चाह रही है। तुम्हारा जो कंधे बनने का प्लान था ना, बहुत शानदार था। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन हो जाता है। तुम बहुत किस्मत वाले हो, तुमने जिससे प्यार किया वो तुम्हें मिल गया। All the best for your future। यार वो कोमल, मैंने उससे अच्छे से बात क्या कर ली, वो सोचती है मैं उसको चाहता हूँ। प्लीज उस कोमल का कुछ करना है यार। वो तो मेरे ऊपर छोड़ दो। अच्छा तो मैं चलता हूँ। मजा आया आपके साथ काम करके, कुछ अलग था। अरे सुनो, तुम ऐसे ही हो क्या? दुनिया जैसा मुझ में देखना चाहती है ना?
मैं उनके लिए वैसा ही हूँ। जिंदगी की सिर्फ एक चीज हमारे हाथों में नहीं है, खुशियां। मैंने ही बहुत कोशिश की मगर जो थी उसे ही नहीं देख पाया। तुझे पता कोमल, इंसान जो चीज बाहर ढूंढने की कोशिश करता है ना, वो उसके अंदर ही होती है, उसके साथ ही होती है। देर रहती तो सिर्फ पहचानने की। दोस्त दोस्त ही है। शायद मुझे आज समझ में आ गया, मैं तेरी दोस्ती महसूस कर पा रहा हूं। क्योंकि शायद मैंने वो सारे दोस्ती के लेवल्स पार कर लिए हैं जो एक लड़का और एक लड़की के बीच में होने चाहिए। एक ग्रे शीट जैसी होती है दोस्ती, ना तो पूरी कोरी न पूरी काली। निर्मल, ये सब तुम ऐसे भी होगे मैंने कभी सोचा नहीं था। वो सब बातें तो मैंने गुस्से में कह दी थी यार। तुम ना मेरे बहुत अच्छे दोस्त ही हो, क्योंकि दोस्त ऐसे ही होता है। सॉरी यार अगर मैंने तुझसे कुछ गलत कहा हो तो। मुझे अब सब समझ आ गया है, मुझे अब प्यार का एहसास हो रहा है। मुझे समझ आ गया है कि मुझे कैसा इंसान चाहिए, एकदम लॉयल टाइप का, जर्मन शेफर्ड टाइप का। बाकी सब तो धोखेबाज होते हैं। अब कोई नहीं चाहिए, ना नया ना पुराना, बस तेरी लोमड़ी और जर्मन शेफर्ड, है ना। कितना मजबूत दिख रहा है ना ये। अक्सर लोग बाहर की दुनिया में इतना खो जाते हैं कि अपनों को ही भूल जाते हैं। उससे पता है क्या होता है, और इंसान अकेला हो जाता है। प्यार, दोस्ती, दोस्ती, प्यार। यार इंसान, प्यार जो है ना, तेरे कंधे से तेरी जिंदगी हटा देगा, और ये जो दोस्ती है ना, वो तेरे कंधे पे अपनी जिंदगी रख देगा। तो गया यार कंधे। Thank you.
हमने सही किया। इमोशंस अभी भी बाकी हैं तुम्हारे में। बिजनेस के लिए इमोशंस बड़ी खराब चीज है। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड दैट। गेट रेडी फॉर द न्यू टास्क। प्यार क्या है इसका थोड़ा बहुत अंदाजा तो मुझे लग गया है, लेकिन अब मौका है किसी को मजा चखाने का।